बढ़ती उम्र कहती है संजीदा हुआ जाए, बढ़ती उम्र कहती है संजीदा हुआ जाए, और मन कहता है थोड़ी नादानियाँ और कर लें। फ्रेंड्स, ये उम्र कुछ नहीं है, बस ज़िंदगी में हासिल हुआ तजुर्बा ही होता है, जो कि हमारी ज़िंदगी की किताब में रोज़ एक पन्ने की तरह जुड़ता चला जाता है। तो अपने तजुर्बे को अच्छा बनाने की कोशिश करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है तो उसे अवॉइड करिए। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, आज है 17 जुलाई, और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। एक्चुअली मैं इसका बर्थ भी सावन के दूसरे सोमवार को हुआ था, तो ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। और लास्ट बर्थडे इसका पड़ा था संडे को, तो ये स्कूल नहीं जा पाया था। तो इस बार ये जिद कर रहा था कि स्कूल जाना है, अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट देना है, तो फिर मैंने इसे रेडी कर दिया। अब ये जा रहा है स्कूल। अब पिकू के स्कूल जाने के बाद मैं बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। और लंच आज ही लेकिन नहीं जाएंगे, ये लंच ब्रेक में घर आ जाएंगे। तो आलू बैंगन का भुजिया यही रहेगा हमारे ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं घर की डेकोरेशन में लग जाऊंगी। जो भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करना है, कुशंस में नए कवर लगाने हैं, तो ये सब काम मैं करूंगी। ये सब काम थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि सारे कुशन में कम से कम 10 कुशन हैं, 10-12 कुशन में कवर लगाना, पिलो में कवर चेंज करना, बेडशीट बिछाना, सोफ़े की डस्टिंग करना, ये सब काम करते करते मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने 1 घंटे का टास्क बनाया है कि 1 घंटे में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से टास्क बना के काम करने से हम कॉन्सेंट्रेटेड होके काम करते हैं और हमारा काम भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। और मैं बर्थडे के लिए क्या क्या करने वाली हूँ वो मेरे साथ आप देखते रहिए। ये कुशन कवर मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से, बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक भी अच्छा है और वाइब्रेंट लुक के हैं। तो आज जैसे ओकेजनली कभी कभी रखने के लिए सही है, बट इसको लगा के हम छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़े 2-4 घंटे बाद इसको निकाल के रख लीजिए और फिर कभी ओकेज़न आए तो इसको यूज कर लीजिए। इस टाइप से ये यूज करने पे ज़्यादा चलेंगे। और ये जो अभी फ्लोरल प्रिंट का लगा रही हूँ, ये मैं मार्केट से लाई हूँ, तो ये बहुत अच्छा कुशन कवर है। इसको लगा के हम रख सकते हैं, वॉशेबल है, मशीन वॉश ही करती हूँ मैं नॉर्मली, तो ये 2-3 बार वॉश हो चुका है, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ये इस बेस्ट क्वालिटी का है। तो जल्दी जल्दी से मैं कुशन कवर लगा रही हूँ और ये मेरा सारा रेडी हो गया। और अब मैं इसको जहाँ भी रखना है वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दूँगी। घर पूरा सेट हो चुका है और अब मुझे करना है पिकू के गिफ्ट की पैकिंग, क्योंकि गिफ्ट हम लोग ले आए थे और छुपा के रख दिए थे, बट उसकी पैकिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि उसकी 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो अब वो स्कूल गया है, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से गिफ्ट की पैकिंग। गिफ्ट में क्या है वो हम लास्ट में बताएंगे। और गिफ्ट की पैकिंग करने के बाद अब मैं बैलून फुला रही हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं फुला लूँगी, बट इसको लगाने का काम जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो लगाएंगे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे दीवार पे मुझसे नहीं लग पाएगा। तो मैं फुला के बंच बना के अभी रख दूँगी और एक रूम में डाल दूँगी फ़ैन बंद करके, तो जिससे ये फटेंगे भी नहीं और ठीक ठाक रहेंगे 1:30-2 बजे तक।
अब बज गए हैं शाम के 4 और 4 बजे से मैं यहाँ पर अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। लंच वगैरह करके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड बैलून वगैरह लगाने लगे और मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो डिनर में बन रहा है शाही पनीर, आलू दम और खीर है, पूड़ी है, चावल है, रायता है, ये सभी है। तो सारी चीज़ों का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई डिनर में क्या क्या बना, बट हाँ थोड़ा सा घर में होता है ना, अपने घर में प्रोग्राम होता है तो टाइम कम मिलता है, तो जितना हो सका मैंने कवर किया। बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि क्या क्या बना था, तो और क्या क्या होने वाला है उसके लिए आगे देखिए वीडियो। ये देखिए डेकोरेशन का काम हो चुका है, बैलून वगैरह लगा दिया है हमने। ज़्यादा बैलून नहीं लगाएंगे क्योंकि दीवार पे टेप लगाने से दीवार का पेंट ख़राब हो जाता है, तो ऐसे ही हल्का फुल्का सा डेकोरेशन किया हुआ है। और इस बार मेरे बेटे का डिमांड था कि उसे आर्मी की ड्रेस पहनना है, तो बैलून भी हमने उसी आर्मी के ड्रेस के कलर में, ग्रे कलर, ग्रे नहीं बोलेंगे इसको, खाकी जैसा है, गोल्डन कलर है और ग्रीन कलर है, ऐसा ही बैलून हम लगाए हैं। और आर्मी की ड्रेस भी उसके लिए ऑर्डर कर दी है, उसे आर्मी बनने का बहुत शौक है, तो उसी थीम पे आज इसका बर्थडे कर रहे हैं। वैसे कुछ ज़्यादा तो डेकोरेशन की नहीं मैं। और ये मेरा बेटा शाम में सो के उठ चुका है और अभी देख रहा है मोबाइल में वीडियो। तो अब इसके बाद थोड़ी देर में 5:30-6 बजे से सब लोग आना शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं पीकू के बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भैया दीदी लोग। तो अब थोड़ी देर में इसके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और फिर बर्थडे पार्टी की शुरुआत हो जाएगी। आज मैंने वियर की है साड़ी, ये चुनरी प्रिंट की साड़ी है, हल्की सी है बट बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर भी सोचा कि पहन लेते हैं। और पीकू बना है आज आर्मी, ये देखिए पीकू आर्मी का ड्रेस पहन चुका है। ये ड्रेस मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन परचेस किया था, बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा गर्मी लगने वाला मटेरियल नहीं है। और पीकू उसको पहन के बहुत खुश है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। कभी ये 6 साल पहले आज से कभी पैदा हुआ था और आज 6 साल का हो गया है, कुछ दिन बाद ये सच में आर्मी के ड्रेस में आ जाएगा मेरे सामने। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कब उनके बच्चे इतने बड़े हो गए। और इधर पे पार्टी में समोसा स्टार्ट हो चुका है, भैया और मेरे भतीजे और सब जो भी हैं ये लोग पार्टी कर रहे हैं और पीकू कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ डांस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ गया है बर्थडे केक और अब होगी केक कटिंग। और केक हमने इस बार डबल स्टोरी बनवाया है, तो
काफ़ी बड़ा सा केक है, 1.5 केजी का था और बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि एक न्यू शॉप से बनवाया था, बट बहुत ही अच्छा और रिजनेबल रेट में था। फ्लेवर भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, फ्रेश क्रीम का बनाया हुआ था। तो अब जा रहा है पीकू केक कटिंग करने, और आप सब भी अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को कि मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और सच में वो आर्मी बने, आर्मी का ऑफिसर बने। के फ्रेंड्स को हमने दे दिया है रिटर्न गिफ्ट और स्नैक्स, ये लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और फिर अपना घर लेके चले जाते हैं। तो अभी ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, और पीकू एज अ होस्ट देखिए कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है, खा नहीं रहा है, बस देख रहा है सभी को। और डिनर के बाद पीकू खोलने लग गया है अपना गिफ्ट, गिफ्ट उसे बहुत सारे मिले हैं, बहुत खुश है वो, और सारे गिफ्ट उसको बहुत पसंद आए। सभी को पीकू के साइड से ढेर सारा थैंक यू, और बहुत इंजॉय कर रहा है वो अपना गिफ्ट। और बर्थडे ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।